मॉर्निंग, मैं डॉक्टर जेकब थॉमस हूँ और इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट कौन सा फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इन जनरल फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स मैक्सिमम होता है और वो इस फॉर्म्स में होते हैं। मैक्सिमम फ्रूट्स में फाइबरस फॉर्म्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि वो फाइबर्स जो इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और इसके साथ साथ सिंपल शुगर्स होते हैं, यानी कि फ्रुक्टोस और ग्लूकोस, और डाइसैकेराइड फॉर्म में, यानी कि एक्चुअल टेबल शुगर के फॉर्म में होते हैं। और ये शुगर्स में भी फ्रुक्टोस जो है, जिसको फ्रूट शुगर कहते हैं या लेव्यूलोस, ये मैक्सिमम होता है। लेकिन सारे फ्रूट्स में ग्लूकोस भी होता है, और जो प्रोपोर्शन है ग्लूकोस का, वो कोई कोई फ्रूट्स में कम होता है और कोई फ्रूट्स में ज़्यादा होता है। फ्रूट्स में कुछ प्रमाण में, एक स्मॉल अमाउंट्स में अमाइनो एसिड्स भी होता है, और एक थोड़ा सा बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में फैट्स भी होता है। इसके साथ साथ उसमें मिनरल्स होते हैं, और आयरन और मैग्नीशियम, पोटेशियम, इस तरह के मिनरल्स होते हैं। और कुछ फ्रूट्स में एसिड्स होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड होता है लींबू में, ऑरेंजेस में, मौसम्बी में, और मैलिक एसिड होता है एप्पल्स में, टार्टारिक एसिड होता है ग्रेप्स में। तो ये जो एसिड और शुगर की कॉम्बिनेशन जो अलग अलग फ्रूट्स में होता है, उसके वजह से फ्रूट्स में वो टिपिकल जो फ्रूट का टेस्ट जो हमको मिलता है वो बनता है। तो जिस कुछ फ्रूट्स में ग्लूकोज ज़्यादा होता है, कुछ फ्रूट्स में ग्लूकोज कम होता है, उस तरह से मैंने एक अटेम्प्ट किया है कि फ्रूट्स को तीन भाग में डिवाइड करें। नंबर वन, जिसमें जो ग्लूकोज का प्रोपोर्शन कम है, जो हम ज़्यादा कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, मोर फ्रीक्वेंटली हम ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स। और नेक्स्ट ग्रुप में है जो थोड़ा कम प्रोपोर्शन में यूज़ करना चाहिए, और थर्ड ग्रुप जिसमें ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा होता है और रेयरली या नहीं के बराबर यूज़ होना चाहिए। बट इन जनरल अगर आप फ्रूट्स लो तो दिन में 100 टू 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और वो भी अगर एक स्प्लिट करके दो 75 ग्राम ट्वाइस अ डे ऐसे स्प्लिट करके लो, तो सडनली शुगर बहुत ऊपर नहीं जाएगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप में जो आता है, जो फ्रूट्स जो हम ले सकते हैं, वो इस तरह के हैं। जामुन बहुत ही अच्छा है। जामुन एक्चुअली खाने से शुगर कम भी हो सकता है। तो हमने कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में ये देखा है कि कभी कभी पेशेंट्स जामुन 15-20 भी खाते हैं, तो उससे शुगर बढ़ने के बजाय थोड़ा कम भी हो जाता है। उसी तरह जो बेरीज है, बोर है, बोर, बेर, करवंदा, जो इंडियन बेरीज है, वो भी बहुत ही अच्छा है। उसमें शुगर्स काफ़ी कम होता है, और ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं। जो बड़े बोर आते हैं या छोटे बोर आते हैं, ये सब अच्छे होते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। शुगर प्रोपोर्शन इज़ वेरी लेस। उसी तरह एप्पल्स में शुगर कम होता है। एप्पल बहुत ही स्वीट है, लेकिन उसमें शुगर का प्रोपोर्शन यानी ग्लूकोज का प्रोपोर्शन काफ़ी कम होता है, और फ्रुक्टोस और अन्य शुगर्स ज़्यादा होते हैं, और वो खाने से अबाउट 100 टू 150 ग्राम्स खाने से शुगर नहीं बढ़ता है। इसी तरह पेरू यानी कि ग्वावा, आमला, पॉमीग्रेनेट्स, चेरीज, एवोकैडो में भी शुगर ग्लूकोज का प्रोपोर्शन बहुत कम है। जो फॉरेन बेरीज है, यानी कि ब्लूबेरीज, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरीज, ये भी बहुत अच्छा है। प्रूनस आर गुड। टोमेटोस अच्छा है, उसमें कम है। एप्रिकॉट्स, ऑरेंजेस, प्लम्स, पीचेस, कीवी, ये सारे फ्रूट्स जो है इसमें ग्लूकोज कम होता है, और ये फर्स्ट ग्रुप में आता है जो आप मोर फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका ओवरऑल शुगर अगर कंट्रोल में है तो ऑलमोस्ट डेली आप ये यूज़ कर सकते हो, पर ध्यान रहे 100 टू 150 ग्राम्स। अनलिमिटेड फ्रूट्स भी नहीं ले सकता है, क्योंकि हर एक फ्रूट में ग्लूकोज होता ही है, प्रोपोर्शन कम या ज़्यादा हो। तो ये फ्रूट्स जो मैंने डिस्कस किया फर्स्ट ग्रुप में, ये भी अगर आपने बहुत ज़्यादा लिया तो शुगर बढ़ सकता है। जो सेकेंड ग्रुप है उसमें ग्लूकोज का प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसीलिए उसको लेस फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए। और ये ग्रुप में है बनानास, केला जो है, वो मानो आप एक छोटा केला लो तो शुगर नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर दो केला लो
तो शुगर डेफिनेटली बढ़ेगा। और उसमें भी जो नॉर्मल जो हमको केला मिलता है वो वन एट अ टाइम से शुगर नहीं बढ़ता है। जो स्मॉल साइज बनानाज है वो भी एक बार ले सकते हैं। और जो लार्ज साइज बनानाज होते हैं, जो केरला के जैसे बनाना है, वो आपको एट अ टाइम हाफ लेना चाहिए। बनानास में शुगर होता है, अगर आपने दो एक साथ ले लिया तो एक डायबिटिक पेशेंट का शुगर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। उसी तरह कस्टर्ड एप्पल्स में शुगर प्रोपोर्शन ज़्यादा है। मस्क मेलन यानी कि खरबूजा, ये खाने से भी शुगर बढ़ेगा। पाइनएप्पल, वाटरमेलन और पपैया, इसमें भी शुगर ज़्यादा होता है। डेट्स, कोई कोई डेट्स में शुगर कम होता है, जो तो बहुत डिफ़िकल्ट है बताने की किस में कम होगा और किस में ज़्यादा होगा। तो मैंने ये नोटिस किया है, वो भी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग पेशेंट्स को लगा के, कि किसी किसी तरह के डेट्स में शुगर बढ़ता है और किसी तरह के डेट्स में शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और इसीलिए डेट्स आप ले सकते हो, लेकिन अगेन स्मॉल अमाउंट्स, 100 grams एट अ टाइम, और उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो कस्टर्ड एप्पल, बनानास, मस्क मेलन, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, डेट्स एंड पपाया, ये सेकेंड ग्रुप में आएगा। और इससे इसको लेस फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए। और थर्ड ग्रुप ऑफ फ्रूट्स है जो बहुत ही ओकेजनली लेना चाहिए, या अगर आप सीवियर डायबिटिक हो तो अवॉइड भी करना चाहिए, या फिर आप एक फ्रूट बाउल में एक या दो पीसेस डाल सकते हो। जैसे कि आपने अगर 100 to 150 grams से एक फ्रूट बाउल सलाद बनाया, तो उसमें एक स्मॉल 1 or 2 pieces ऑफ ये फ्रूट्स डाल सकते हो। और ये ग्रुप में आता है ग्रेप्स एंड मैंगोस एंड जैक फ्रूट, या फनस जिसको कहते हैं, येलो कलर के बड़ा जो फ्रूट होता है। इसमें शुगर प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये खाने से ब्लड शुगर बहुत बढ़ता है। तो ग्रेप्स, मैंगोस, जैक फ्रूट, ये जितना कम यूज़ करें। अंजीर भी ये ग्रुप में आता है, अंजीर में भी शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर बहुत लो तो शुगर काफ़ी बढ़ सकती है। तो इस तरह से आप ध्यान रखो कि आपका अगर ओवरऑल शुगर्स कंट्रोल में है, अगर आपने प्रॉपर डाइट किया है, एक्सरसाइज किया है, मेडिकेशन लेवल्स ठीक है, और ब्लड शुगर आप चेकिंग कर रहे हो, और शुगर का रेंज 100 टू 150 के बीच में है, तो आप 100 टू 150 ग्राम्स पर डे फ्रूट्स ले सकते हो। और उसमें इस तरह के डिफरेंशिएशन जैसे कि हमने डिस्कस किया, ऐसे लेना चाहिए। और फ्रूट जूसेस एज़ फार एज़ पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक ग्लास फ्रूट जूस में 2 or 3 फल जाएगा। तो जैसे अगर आप एक ग्लास ऑरेंज बना रहे हो, ऑरेंज जूस या मौसम्बी जूस या वाटरमेलन जूस, तो एक ग्लास ऑरेंज जूस में 2 or 3 फल जाता है, और उसमें जो फाइबर पोर्शन है, जो ह्यूमन बींग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो फाइबरस पोर्शन है वो भी निकल जाता है। तो 3 फल एक ग्लास ऑरेंज जूस में अगर गया तो शुगर काफ़ी बढ़ेगा। और सिर्फ ऑरेंज जूस से आपका पेट भी नहीं भरने वाला है, 2-3 फल खाने से पेट भरता है, एक ग्लास जूस पीने से पेट नहीं भरता है। तो आप जूस भी पियोगे और साथ में काफ़ी कुछ खा भी लोगे, तो डेफिनेटली शुगर बहुत बढ़ जाएगा। सो फ्रूट जूसेस एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए डायबिटिक, बट फ्रूट्स आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपना चेकिंग कर रहे हो और आपका शुगर कंट्रोल में रख रहे हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।